नमस्कार, मैं हूं शिवानी ठाकुर, आप देख रहे हैं मैनहू न्यूज। कस्बा भोगांव के एक निजी स्कूल की मनमानी सामने आने के बाद छात्रों व शिक्षकों ने जिला समाज कल्याण अधिकारी के सामने जमकर हंगामा काटा, तो वहीं अधिकारी ने इस पूरे मामले को शिक्षक की साजिश करार देते हुए कार्यवाही की बात कही है। देखिए हमारे संवाददाता गुलजार अहमद की रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव छाछा रोड स्थित आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय का है, जिसमें कुछ समय से हंगामा हो गया जब छात्रों ने दो दिन पहले अपनी पूड़ियों को खराब बताते हुए खाने को इनकार कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर इंदिरा सिंह भी विद्यालय पहुंच गईं। उन्होंने पहुंचते ही जब बच्चों ने घटिया खाने की शिकायत की तो उन्होंने स्वयं बच्चों को बनाए गए खाने को चखा, जिसे सही कहने पर बच्चे आक्रोशित हो गए। उन्होंने अधिकारी डॉक्टर इंदिरा सिंह के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। बच्चों की समस्याओं का समर्थन करते हुए अंग्रेजी के प्रवक्ता सुधीर कुमार ने भी जिला समाज कल्याण अधिकारी के सामने छात्रों को समस्याओं को सही बताते हुए अपने स्टाफ के कुछ लोगों पर क्रियाकलापों को शिक्षा जगत में आए निम्न स्तरीय बताया। इस पर विद्यालय के अन्य शिक्षकों ने छात्रों पर भड़काए जाने का आरोप लगाते हुए पूरी समस्या को शिक्षक की देन बताया। इस पर छात्रों ने शिक्षक के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम सुधीर कुमार है, मैं यहाँ पर इंग्लिश लेक्चरर हूँ। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या तो सर कई दिनों से चल रही है, जिसको मैं आवाज़ उठाने का कई बार प्रयास किया है और मैडम तक अपनी आवाज़ पहुँचाई है, लेकिन मैडम ने मुझे जो है यहाँ से निकालने की धमकी दी, बल्कि आज तो दे ही डाली, बोले यहाँ से निकल जाओ। समस्याएं तो आपने देख ली हैं, यहाँ पे समस्याएं कई सारी हैं। बच्चों को आज एक साल हो गई यहाँ पर, बच्चों को अभी ड्रेस मिली है चार दिन पहले, और अनुशासन की अगर आप बात करती हैं तो अनुशासन बिना किसी गड़बेस के कैसे हो सकता है? आप लिखने पढ़ने का सामान नहीं समय पे मुहैया करा रही हो, कहती हो कि उसका टेंडर होगा, तो टेंडर भी अगर होगा तो उस प्रक्रिया में आप इतनी लेट क्यों हैं? अगर आपने ऐसा सब किया, अन्य उत्तर प्रदेश के जितने भी राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय चल रहे हैं उनको ड्रेस जो है कई माह पहले प्राप्त हो चुकी थी, और बच्चे जब कोई बीमार होते हैं उनको छुट्टी चाहिए तो छुट्टी के लिए यहाँ पर भेदभाव किया जाता। जो यहाँ के वार्डन हैं वो सीधा से ये कहते हैं कि जाइए, भाग जाइए यहाँ से, मैं छुट्टी नहीं दूंगा किसी को। ये बच्चों से आप खुद ही पूछ लेते हैं, बच्चे ऐसा होता है? ऐसा ही यहाँ के टीचर करते हैं, और जो टीचर ऐसे अधिकारियों की चापलूसी करते हैं उनका मैडम जो है कस के जो है पक्ष लेकर के उनके साथ रहते हैं। हम जैसे अध्यापकों ने आज यहाँ पर इस चीज का विरोध जताया तो मुझको सीधी से यहाँ निकालने की धमकी दी गई, और मुझे ये धमकी दी गई। मेरा श्रीमान जी आपसे अनुरोध है, मैं भले ही निकल जाऊँ लेकिन मेरे बच्चों को न्याय जमा दिलवा दिया। इसीलिए सर हम लोग खड़े हुए हैं। क्या नाम तुम्हारा? आलोक। किस क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 11। क्या समस्या है? समस्या ये है कि पूरी शिक्षक सामग्री नहीं है, बच्चों को पढ़ने में मतलब सुविधा पूरी नहीं है, और लाइट की बहुत किल्लत रहती है। जब लाइट आती है तब तक कमरों में रोशनी रहती है, बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद जब लाइट चली जाती है तो CFL वाला जो बल्ब है वो बंद हो जाता है, और बल्ब यहाँ पे मौजूद नहीं है तो लाइट का बल्ब नहीं जल पाता है, बच्चों को अंधेरे में रहना पड़ता है, वो पढ़ नहीं पाते हैं। दूसरा, बच्चों की पूरी कॉपी किताबें नहीं है, पेन नहीं है, बच्चे पढ़ने की सामग्री भी बाहर से लाते हैं, बाहर लेने जाते हैं, अपने पैसे से खर्च करते हैं, और बच्चों को जब कोई बात बच्चे अपनी उठाते हैं तो उनको दबाया जाता है कि अगर आप ऐसा करोगे, आप ऐसी डिमांड नहीं करोगे, जैसा मिल रहा है वैसे खुश रहो, अगर आप ऐसा करोगे हम लोगों के खिलाफ़ आवाज़ उठाओगे या ये करोगे वो करोगे तो आप लोगों को हम पेन की नोक से मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपके नंबर घसीट दिए जाएंगे, ये कर दिया जाएगा वो कर दिया। सब बच्चों को डराया जाता है। जब सर ने हमारा साथ दिया तो मैडम ने सर को धमकाया और ये कहा कि आप यहाँ से चले आइए, आप बच्चों को भड़का रहे हैं, आप यहाँ नहीं रुक सकते। इस वजह से सारे बच्चे हमारे साथ हैं। कौन से सर ने साथ दिया? कौन से सुधीर सर, जो हमारे इंग्लिश के लेक्चरर आ रहे हैं। आज जो विद्यालय में बच्चों द्वारा हंगामा किया गया, तो क्या पूरा ये मामला है? वार्डन पे भी आरोप लगाए गए, आप पर भी आरोप लगाए गए, बच्चों से 150 की जगह 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए गए, विद्यालय में कोई सुविधाएं नहीं है, उनके बेड वगैरह टूटे पड़े हैं, विद्यालय में और भी कई एक समस्याएं हैं, छुट्टी को लेकर भी बच्चों ने हंगामा काटा है, तो क्या ये पूरा मामला है, ऐसा क्यों? मैं आई हूँ यहाँ की समस्याएं देखने के लिए आज संडे के दिन भी, और आकर के मैंने यहाँ पर खाना चेक किया है, अचानक आकस्मिक मेरा दौरा था आज का, और मैंने खाना चेक किया है और खाना ठीक मिला है मुझे, बच्चे भी प्रसन्नचित दिखाई दिए मुझे, बच्चों से पूछताछ किया मैंने, बच्चे खाने संतुष्ट है, मैंने खाना भी खाया है यहाँ पर, स्वयं भी खाना खाया है और मैं भी संतुष्ट हूँ खाने से, खाने को लेके कोई समस्या मेरे सामने नहीं थी।
इसके बाद यहाँ पर एक श्री सुधीर है, प्रवक्ता है यहाँ पर, उनको मैंने कुछ पूछताछ कर दी, उन्हें कुछ काम दे रखा था और उसका सही जवाब न देके उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, कुछ हॉट टॉक किया बच्चों के सामने। तो मैंने उनको कहा कि अभी आप जाइए, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उसके बाद मैं आ गई दूसरी व्यवस्थाओं को देखने के लिए। तब तक उन्होंने बच्चों को पुरानी बिल्डिंग में ले जाकर के हंगामा खड़ा कर दिया, जो कि एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ा अनुशासन ही है। बच्चों के को लेकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर पहले ही वही बच्चे सारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे थे और वही उन्हीं बच्चों से ये कहलवाया जा रहा है, तो ये षड्यंत्र के तहत है। श्री सुधीर का यह व्यवहार आपत्तिजनक है, वो इस संस्था में छात्रावास में रहने लायक नहीं है, उनको भी मैं नोटिस दूंगी। उनके व्यवहार के लिए अगर नहीं सुधारते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निदेशक महोदय को भी मैं लिख के दूंगी। जहां तक मैं समस्या सुनने ही आई थी, देखने ही आई थी, जो काम मुझे नहीं करने दिया गया, फिर भी ये जितनी भी चीजें हैं, हमारे जो अधीक्षक महोदय हैं वो छुट्टी पे गए हुए हैं और छुट्टी बढ़ा लिया है कुछ पारिवारिक समस्याओं की वजह से। मैं इन सभी चीजों को नोट कर रही हूँ और उनको जल्दी से जल्दी आने के लिए कह के इन समस्याओं को निपटाने के लिए मैं प्रयासरत करूंगी। लेकिन मैडम, जो वार्डो में बच्चों के आगे जो मैं अभी देखा है जाकर अंदर, बेड वगैरह पड़े हैं, उनमें ईंटें लगी हुई हैं, जंगलों में ग्लास वगैरह नहीं है, सर्दी का मौसम है, हवा वगैरह आती है, तो ये छोटी मोटी समस्याएं हैं। सर, जो आप जहाँ की बात आप कर रहे हैं वो पुरानी बिल्डिंग है और पुरानी बिल्डिंग पूरी तरह खराब हो चुकी है, हम लोग लिख के भी दे चुके हैं और उसका पूरा आग्रहण समाज का निर्माण निगम की तरह से जा चुका है वो, और जैसे ही उसकी धनराशि निर्माण निगम को प्राप्त हो जाएगी पूरी बिल्डिंग गिर के दोबारा से बनेगी। छोटा मोटा काम नहीं, बड़ा काम है उसमें। जहाँ तक बेड की टूटने की व्यवस्था है वो सुधीर सर ने ही, जो सुधीर प्रवक्ता है, उन्होंने बच्चों से कह के तुड़वा दिए गए हैं, गद्दे फड़वाए दिए गए हैं आपके आने से पहले, और जैसा भी मैं उसको जांच करवा करके और नए गद्दे और उसकी तखत की मांग करके बजट को देखते हुए नया उसको लाने की व्यवस्था कराने के लिए अधीक्षक महोदय को निर्देशित करती हूँ। और जो भी विद्यालय कमियां होती हैं, मैं आज इसीलिए यहाँ रुकी हुई हूँ, पर उन्होंने माहौल खराब कर दिया है, उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगी जो भी उचित होगी, न्यायोचित। और मैं जो भी समस्याएं यहाँ पर है, मैं अभी यहाँ पर रुकी हुई हूँ, समस्याओं को नोट करके मैं उसको प्रयासरत रहूंगी यहाँ पर उसको दूर करने के लिए।